हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. वेलकम टू द स्टडी फ्रॉम होम रफ्तार वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ प्रेजेंटेड यू बाय अल्फा एस एकेडमी. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी शैल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st of May टू 8th of May. नाउ दिस करंट अफेयर्स आर टेकन फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड वी हैव एनालाइज्ड इट फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन, स्पेशली द एग्जामिनेशन हेल्ड बाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज UPSC. तो विल बिगिन विद द पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सेक्शंस. अब पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया डेनमार्क रिलेशन का. इसमें आपको ये याद रखना है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज़ द कीवर्ड. नाउ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होगी? इट इज़ एन एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में जाना है भाई. अब सारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं या वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्री हैं वो ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही हैं या ट्रांजिशन कर रही हैं अपने आप को. तो उसी के लिए इंडिया और डेनमार्क ने एक पैक्ट साइन किया कि ठीक है भैया, हम लोग ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर लेते हैं. नाउ जब वो ये चीज़ हुई तो इंडिया हैज ऑल्सो एग्रीड टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, दैट इज़ ICARS, एज अ मिशन पार्टनर. एंड इनफैक्ट डेनमार्क इन टर्म कन्फर्म्ड इट्स एक्सेशन, मतलब उसने ज्वाइन किया टू ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप. नाउ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड टेरिटरीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द WHO फॉर्म टू सपोर्ट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना है बट बाय डिजिटल मीन्स, जैसे डिजिटल हेल्थ कार्ड या नेशनल हेल्थ स्टैक आ रहा है उस टाइप से. तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस किस के बीच में? इंडिया और डेनमार्क में, एंड ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप. डेनमार्क ने इसको ज्वाइन किया. देन डीलिमिटेशन कमीशन, एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन होना है. डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर कितनी सीट्स होंगी, किस एरिया में कितने लोगों पे एक सीट होगी, कौन कौन से एरियाज़ कितनी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, तो ये सब जो है कौन डिसाइड करता है? डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है. अब जैसा आप सभी को पता है कि द बाइफरकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टुक प्लेस, तो अभी JNK में डीलिमिटेशन होता है कि भाई कितनी सीट्स देनी है. तो अभी तो उसके क्या होता है, एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया. नाउ डीलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. पहले डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में ही देख लेते हैं. डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन. अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स विच एस्टैब्लिशेस अ डिलिमिटेशन कमीशन. एंड इनफैक्ट अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इन टू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेक्स. इन इंडिया अभी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद 1963, देन 73, देन लास्ट में अभी लास्ट जो है 2002 में स्टैब्लिश किया गया था फॉर लोकसभा एंड असेंबली सीट्स. ऐसे छोटे मोटे डिलिमिटेशन होते रहते हैं, वो हम काउंट नहीं करेंगे. जो एक लेकिन जो बड़ा पूरे देश के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था वो लास्ट 2002 में बैठा था. इनफैक्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर होते हैं उनका वो जो एक होता है, दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. दैट मीन्स ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है. ठीक है. नाउ इन 2002 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज यूज टू फ्रीज द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टिल 2026 तक अभी फ्रीज है. ठीक है. अब जो वो कमेटी बिठाई गई थी तो दैट वॉज हेडेड बाई अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, दैट वॉज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. एंड दी कमेटी रिकमेंडेड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने 7 सीटें बढ़ाई, 6 जम्मू में, जम्मू में 43 सीट्स कर दी गई हैं, एंड 1 इन कश्मीर, नाउ 47. एंड दे सेड कैटेगरिकली दैट दे हैव स्टडीड द होल एरिया एज अ वन यूनिट. ऐसा नहीं कि कुछ तोड़ने की कोशिश की हो, जैसे लोग बोलते हैं कि जम्मू एक पर्टिकुलर कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड है या कश्मीर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाला द्वारा डोमिनेटेड है. तो उन्होंने कहा हमें उससे कोई लेना नहीं है, हमने उसको पूरे को एक यूनिट की तरह डिस्कस किया है, एक यूनिट की तरह स्टडी किया है. एंड इनफैक्ट अ टोटल ऑफ 9 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल टाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो 9 सीट्स जो है शेड्यूल टाइप्स के लिए रिजर्व की गई है, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ सेकंड सेक्शन इज ऑफ इकनॉमी. इकनॉमी में द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स. एक्चुअली SEBI ने अभी नए रूल्स नोटिफाई किए एंकर इन्वेस्टर के लिए. अब एंकर इन्वेस्टर होता क्या है? एंकर इन्वेस्टर एक IPO में एक ऐसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या QIB जिसको बोलते हैं, या जैसे आप FPI होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या म्यूचुअल फंड, या कोई इंश्योरेंस कंपनी विच इन्वेस्ट बिफोर द IPO इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक एज पर द SEBI रेगुलेशन. तो एंकर इन्वेस्ट जैसे IPO आया, अभी आपने देखा LIC का IPO आ रहा है,
तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, FPI, QIB, जो कि जिसको कि पहले ही शेयर अलॉट हो जाएँ, जब तक वो पब्लिक को खुला भी नहीं है उससे पहले उसको शेयर अलॉट हो जाएँ, तो QIB बोलते हैं। ऐसे ही इनके लिए एक क्या होता है कि जब शेयर बढ़ते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। इस टाइप से उसकी कैटेगरीज होती हैं और उसका जो पर्टिकुलर सेक्शन भी होता है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट को 22% शेयर मिलेंगे, इसीलिए ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। तो इन्वेस्टर वो होते हैं जिनको पहले ही IPO मिल जाता है, जिससे पहले कि वो पब्लिक को अवेलेबल होता है। इनफैक्ट जो QIB कोटा होता है उसमें 60% जो शेयर हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स को ही जाते हैं। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अभी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, अब देखो ये याद रखना कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट GPA जिसको बोलते हैं हम, इट इज़ रिलेटेड टू WTO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट इज़ रिलेटेड टू WTO। इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, हम नेगोशिएशंस के लिए ओपन है लेकिन हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। है क्या एग्रीमेंट एक्चुअली, ये क्या है? कुछ नहीं है, रूल्स बनाता है ये कि भाई आप ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडीशन रही कॉम्पिटिशन की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक टाइप से ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ छिप छिपा के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप करो प्रोक्योरमेंट करो, लेकिन खुला होना चाहिए। उससे क्या होगा, खुले होने से क्या होगा कि आप जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि और कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, तो उसको देखने के लिए WTO करता है। तो अभी इंडिया ने मना कर दिया। और ये कैसे है, इट इज़ अ प्रूलीटरल एग्रीमेंट। प्रूलीटरल एग्रीमेंट मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो WTO की मेंबर हैं वो हैं, मगर सारी नहीं हैं। ठीक है, देन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सब्स्यूम सिन गुड्स इनटू GST। नाउ पहले सिन गुड्स क्या, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स उस पर लगता है जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है या फिर जो सोशली और इन्वायरमेंटली डेट्रीमेंटल होता है, जैसे सिगरेट हो गए, सिगरेट पे सिंटैक्स लगेगा। और सिगरेट क्या हो गया, एक सिन गुड हो गया, है ना? वो भाई सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी पर कितना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सिंटैक्स इज मेनली लेविड फॉर पब्लिक हेल्थ पर्पसेस टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग देम अनअफोर्डेबल लाइक सिगरेट। तो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट दिस सिन गुड्स शुड ऑल्सो कम अंडर द GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ रुपी हैज हिट ऑल टाइम लो एंड आर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बिलो 600 मिलियन, 600 मिलियन से नीचे हो गए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम एक मैनेज फ्लोटिंग रेट प्रैक्टिस करते हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेट मतलब एक तो होता है कि मार्केट पे डिपेंड, एक फ्लोटिंग रेट हो गया कि पूरा ही मैनेज्ड हो, है ना, कि आप पूरा ही मैनेज कर रहे हो। ठीक है, हमारा क्या है कि हम थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा मार्केट पे छोड़ देते हैं, तो हमारा एक मिक्स टाइप का है। जैसे US है, US की कंट्रीज क्या है, वो टोटली मार्केट डिपेंडेंट है, वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि RBI रेगुलेट करता है, RBI को लगेगा कि ठीक है भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो खरीदना चालू कर देगा या बेसिस पॉइंट्स बढ़ा देगा। अभी आपने देखा ना कि CRR बढ़ाया गया, तो ऐसे ही उसको जो है मैनेज करता है RBI। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट है इंडिया में, हमेशा याद रखना, फॉर दी करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या दिक्कत आ रही है कि ये टोटली मार्केट ड्रिवन तो है नहीं, अगर ये मार्केट ड्रिवन हो तो बहुत ही नीचे गिर जाए। तो RBI क्या करता है कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए या स्पेकुलेशन रिड्यूस करने के लिए बाय और सेल करता रहता है करेंसीज का। नाउ ये रुपये में फॉल आ क्यों रही है, ये रुपये में फॉल इसलिए आ रही है क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और दोनों बहुत बड़े रिजर्व्स हैं ऑयल के, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, वो सिर्फ ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट 14% लास्ट टाइम आई सॉ दैट थी, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 14% थी। मतलब एक चीज़ जो पिछले साल 100 रुपये की मिल रही थी, अभी 14 रुपये की मिल रही थी। आपने देखा होगा तेल, अब जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक महंगा होगा तो हर सामान जो है महंगा होता चले जाएगा। फिर US की फेडरल रिजर्व ने भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपना हाइक किया है 15 बेसिस पॉइंट का। ओवरसीज़ इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से हटते जा रहे हैं, सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। देन डोमेस्टिक इशूज सच एज राइज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है कि पाँच के पाँच इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये पाँच चार के चार या पाँच के पाँच, ये सब आपस में डिपेंडेंट है। देन इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन से होता क्या कि सबसे पहले तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व डेप्रिशिएट होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट में बढ़ेगा। ठीक है, नाउ वील सी अबाउट एनवायरमेंट एंड
डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ बिहार ओपन्स अप द फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जो शुरू से बनाया जाता है, एक दो टाइप के होते हैं, ग्रीन फील्ड एक ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को आपने डेवलप किया या चेंज किया, ट्रांजिट करके एक नया बना लिया। ग्रीन फील्ड मतलब आपने स्क्रैच किया, खाली जमीन है उसी पर आपने नया बनाया। तो ये प्लांट जो है, ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD बोलते हैं इसको। ZLD एक टेक्निक है जिसमें कि लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता, जो भी डिस्चार्ज होता है उसको दोबारा रीसाइकिल करके रीयूज किया जाता है। इसमें मेजर प्रॉब्लम उसी में आती है जो RO से के बाद जो पानी निकलता है ना, एक तो हम पी लेते हैं, एक जो RO से, देखा आपने पाइप से साइड से पानी निकलता होगा, वो इसमें प्रॉब्लम है। उसमें TDS बहुत हाई होता है, उसमें टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो हैं बहुत हाई होते हैं, और उसी को मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देन अनदर न्यूज इज अबाउट द CAG रिपोर्ट ऑन सुंदरबंस एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। नाउ सुंदरबंस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ रामसर साइट। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आर अ रामसर साइट बट नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुछ नहीं है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, CRZ जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका वहाँ पे धड़ल्ले से मजाक बन गया है, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो है ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और CRZ का वायलेशन हुआ है। सुंदरबंस में आपको बता दी कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक रामसर वेबसाइट, एक रामसर साइट है। वहाँ पे जो जानवर हैं, फौना कैसे, वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको सी नॉर्दर्न रिवर टेरापिन मिलेगी, इसको बटगोर बक्सा भी बोलते हैं। फिर आपको एंडेंजर्ड इरावडे डॉल्फिन मिल जाएगी। फिर आपको फिशिंग कैट मिलेगी, फिशिंग कैट भी बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वनरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। इस कोलकाता वेटलैंड भी एक टाइप का साइड में है, कोलकाता के साइड में एक पेरी अर्बन टाइप का वेटलैंड है, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए छोटे छोटे वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस आज के समय में बहुत बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। नाउ स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, FAO निकालता है, ये याद रखना। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, FAO, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमने जो है अपना जो टोटल अर्थ में जो टोटल फॉरेस्टेड एरिया था 10% खो दिया है इन लास्ट 30 ईयर्स। इनफैक्ट डिफॉरेस्टेशन पर्टिकुलरली इन द ट्रॉपिक्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन इन्फेक्शियस डिजीज सच एज डेंगू फीवर एंड मलेरिया। डेंगू, जबकि ये डिफॉरेस्टेशन बढ़ा और ट्रॉपिक्स में तो ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या है कि ये भी देखा गया कि प्रोपोर्शनल किसके है, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के डिजीज़ जो है बढ़े हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, फीवर, चिकनगुनिया, ये सब जो है बढ़े हैं। हमें क्या करना चाहिए, ऑफकोर्स हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड्स एंड एक्सपेंडिंग एग्रोफॉरेस्ट्री, सस्टेनेबली यूजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रीन वैल्यू चेन। नाउ देर वॉज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बस याद रखो डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफकोर्स नाम ही बता रहा है कि हमें उस पर वर्क करना है कि जब डिजास्टर आए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिरे ना, वो उससे रेजिलियंट हो। तो इसको कौन देखता है, इसको देखता है यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, इसका जो संचालन है वो देखती है। CDRI, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली में है इसका CDRI का, ठीक है। एंड ICDRI इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, CDRI की ही जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो ICDRI है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। इन ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर देयर इज ओनली वन न्यूज़, द रीसेंट क्राइसिस इन द जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर बांग्लादेश एंड चाइना, चाइना और बांग्लादेश के बाद इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए होती है जूट को, कुछ 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है, दैट इज 20-30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल उसको 125-150 mm चाहिए पर मंथ, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक पीरियड में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए जब तक आपका पौधा लगाया और उगने तक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, ये आप सबको पता है। गंगेटिक रीजन जो है बहुत अच्छा माना जाता है जूट कल्टिवेशन के लिए, एज दिस रीजन हैज़ फर्टाइल एलुवियम सॉइल एंड फेवरेबल टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबमरीन टेक्नोलॉजी, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज फ्रांस नेवल ग्रुप जिन्होंने P-75 प्रोजेक्ट में पहले बिड किया था, और वो OEM भी हैं, OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बिड नहीं करेंगे।
और उसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि हम जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम पर वर्क नहीं करते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं होता है ये, एक तो कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए होता है। देखो सबमरीन्स भी दो टाइप की होती हैं, बल्कि दो तीन टाइप की होती है मेरे ख्याल से। एक तो डीजल इलेक्ट्रिक हो गई, एक आपकी न्यूक्लियर पावर्ड होगी, एक नॉन न्यूक्लियर पावर्ड हो गई। या आप डिवाइड कर सकते हैं दो में न्यूक्लियर के बेसिस पे, कि एक तो न्यूक्लियर पावर्ड हो गई, एक नॉन न्यूक्लियर पावर्ड हो गई, उसमें डीजल इलेक्ट्रिक हो गई। ठीक है, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम प्रोपल्शन सिस्टम क्या करता है कि ये हेल्प करता है कन्वेंशनल सबमरीन को जो कि नॉन न्यूक्लियर पावर्ड है। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब है जो दैट इज़ नॉन न्यूक्लियर पावर्ड, उसको क्या करता है कि इट हेल्प्स टू रिमेन सबमर्ज्ड फॉर मच लॉन्गर पीरियड। ऑलमोस्ट 15 दिन तक वो सबमरीन पानी के नीचे रह सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 क्या था? प्रोजेक्ट 75 आई तो क्या है कि वो 2007 में अप्रूव किया था, वो नेवी का 30 ईयर प्लान है फॉर इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन। तो P75 या 75i बोथ आर रिलेटेड टू सबमरीन कंस्ट्रक्शंस। प्रोजेक्ट 75 में हमने 6 स्कॉर्पिन क्लास दैट इज डीजल इलेक्ट्रिक बनाई हैं सबमरीन, जिसमें कि 4 कमीशन हो चुकी हैं, कलवारी, खंडेरी, करंज एंड वेला। INS वगीर एंड वक्शीर ये दोनों भी बन चुकी हैं, इनका कुछ ट्रायल वायल चल रहा है अभी। दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट 75। नाउ ई बैंड इज सीन एज अ मेजर सॉल्यूशन टू 5G माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जो दिक्कत आ रही थी ये इसको देखा जा रहा है। ई बैंड क्या होता है? ई बैंड इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम 6 GHz टू 19 GHz इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वट इज़ सिगेला? आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक बच्चे अभी बच्चा था या कोई व्यक्ति था जिसने कि शवरमा खाया और शवरमा खाने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उस शवरमा में सिगेला बैक्टीरिया फाउंड आउट किया गया। अब नाउ सिगेला बैक्टीरिया जो है इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कि डायरिया होता है और इससे इट मे ऑल्सो लीड टू डेथ वाया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। ठीक है, नाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। नाउ कोल गैसिफिकेशन, देखो कोल को जला के भी बिजली बन सकती है, कोल गैसिफिकेशन से भी बिजली बन सकती है। तो सरकार ने बोला कि हम 50% का कंसेशन देंगे रेवेन्यू का अगर आप लोग जो है कोल गैसिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कोल गैसिफिकेशन में कुछ नहीं करते हम लोग, कोयला लिया उसे हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं, या तो एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ या स्टीम के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उससे हम एक फ्यूल गैस बना लेते हैं, डैट इज़ नोन एज सिन गैस। सिन गैस किस किस का मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन का। आपको बता दूं ये एक जहरीली गैस है, कभी सिन गैस सूंघ मत लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब नो ऑक्सीजन, आदमी का काम हो जाता है। देन सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस गैसियस फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस मिथेन दैट इज एंड डाइमिथाइल ईथर। ये जो गैसेस फ्यूल्स बनाते हैं, दिस फ्यूल्स कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्लीनर ऑप्शन कंपेयर टू बर्निंग ऑफ कोल। दिस गैस इज देन यूज इंस्टेड ऑफ पाइप नेचुरल गैस मिथेन एंड अदर्स फॉर डिलीवरिंग एनर्जी। अब कोल गैसिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ कॉस्टलियर देन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, थोड़ा महंगा हिसाब किताब है। इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी में आपको बताऊँ जितनी भी सब टेक्नोलॉजी हैं थोड़ी महंगी ही हैं, बट वही है कि आप जब चेंज करेंगे और R&D होगी तो शायद और सस्ती हो जाए। देन इट प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन कन्वेंशनल कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट, वन ऑफ द मोर वाटर इंटेंसिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सोफिया। सोफिया स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था जिसमें कि वो इंफ्रारेड यूनिवर्स को स्टडी कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये देखा गया कि मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस एमिट ऑलमोस्ट ऑल देयर एनर्जी एट इंफ्रारेड वेवलेंथ एंड आर ऑफन इनविजिबल व्हेन ऑब्जर्व्ड इन विजिबल लाइट। तो उसको जो है इंफ्रारेड वेवलेंथ या इंफ्रारेड उससे ही स्टडी से ही उनको स्टडी किया जा सकता। अब इस मिशन का जो है कंक्लूजन हो गया, वो कंक्लूड कर रहे हैं। देन स्कीम्स देख लेते हैं। स्कीम्स में है स्पर्श या सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डेट इज़ रक्षा, अब इसको स्पर्श भी बोला जा रहा है। एक स्पर्श मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के द्वारा भी है, वो पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्शन के लिए। ये जो स्पर्श है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा है, इसमें कुछ नहीं है डायरेक्टली जो है पेंशनर की, जो डिफेंस पर्सनल है उनका, क्योंकि डिफेंस में अभी भी पेंशन लागू है
आज भी हम लोगों को पेंशन मिलती है, तो उनकी जो पेंशन है डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाए विदाउट किसी भी थर्ड इंटरमीडिएटरी की जरूरत ना पड़े, इसीलिए उसके लिए ये स्पर्श स्कीम लागू की गई है। देन भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद एंड वाराणसी एंड इंदौर, सिटीज़ का नाम रखने की जरूरत, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आजकल यूपीएससी पूछ भी ले रहा है। देन सो भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी एंड इंदौर आर सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ काम कंप्लीट हो गया है, तो इसको फर्स्ट सेट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ घोषित किया जाना है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट विल कवर 100, इट इज़ कवरिंग इन फैक्ट 100 सिटीज़ एंड बींग इट इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिवेलपमेंट एंड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर अंडर इट। तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बनानी है, स्मार्ट सिटी के बहुत सारे कंपोनेंट है, डैट इज़ स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इकनॉमी, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट लिविंग, हैप्पी सेफ हेल्दी लिविंग। जैसे स्मार्ट गवर्नमेंट में ज़्यादा डिजिटल हो, पेपरलेस वर्क्स हो, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हों घर पे डिलीवर हो, उनकी ई डिलीवरी हो। ठीक है, स्मार्ट इकनॉमी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो, प्रोडक्टिविटी हो, लोकल एंड ग्लोबल इंटरकनेक्शन हो, ज़्यादा बेटर चीज़ें हों। नाउ कल्चर में देख लेते हैं। कल्चर में एक अनंतताल लेक है, ये दिल्ली में है, इसको जो है रिनोवेट किया जाना है एंड इसको नेशनल मॉन्यूमेंट का टैग मिल रहा है। ये 1000 साल पुराना लेक है। इसको इट इज़ बिलीव टू हैव बीन बिल्ड बाय तोमर किंग थे, तोमर डायनेस्टी के किंग थे, दैट इज़ अनंगपाल टू। इनफैक्ट ही वॉज अ फाउंडर ऑफ दिल्ली का पुरी इज़ नाउ दिल्ली। ही हैज़ बिल्ड द सिटी फ्रॉम रुइंस एंड अंडर हिज सुपरविजन अनंतताल बाउदलीज आपको पता ना, स्टेप वेल्स एंड लाल कोट वेल कंस्ट्रक्टेड। अनंगपाल तोमर टू वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान। तो अनंगपाल टू कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, और पृथ्वीराज चौहान आपको पता ही है अभी अपने अक्षय भैया की मूवी भी आ रही है। देन दी पर्सन इन न्यूज़ है हमारे जगत गुरु बसवेश्वरा जी। नाउ बसवेश्वरा या बसवन्ना जिनको कहा जाता है, ही वॉज अ 12th century फिलासफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम कर्नाटका एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट। लिंगायत सेक्ट एक हिंदुज़म का ही पार्ट है, या हिंदू सेक्ट है, जो कि शिवा ही को अपना भगवान मानता है। दे कंसिडर और वर्शिप शिवा एज ओनली डीटी, सिर्फ वो शिव को मानते हैं। वो गले में आपका एक लॉकेट भी पहनते हैं, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा। तो लिंगायत सेक्ट फाउंड किया था, और उन्होंने एक मूवमेंट भी लाई थी, उसे वीरा शैवा मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। ही वॉज अंडर द किंग बिजाला ऑफ कलाचुरी डायनेस्टी। इनफैक्ट ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड हार्डवर्क लीडिंग टू हिज वर्क टूवर्ड सोशल रिफॉर्म्स, अबोलिशन ऑफ कास्ट, जेंडर इक्वालिटी पर उन्होंने वर्क किया। इनफैक्ट हिज लाइफ एंड वर्क्स आर गिवन इन बसवा पुराणा। बसवा पुराणा किसने लिखी थी? पल कुरी की सुमानता ने लिखी थी। ठीक है, तो बसवा जगत गुरु बसवेरा ही बसवन्ना थे, जिन्होंने वीरा शैवा मूवमेंट से लिंगायत सेक्ट बनाया था। लिंगायत सेक्ट शिव शिव को अपना भगवान मानता है। बसवन्ना पुराणा उनके जो काम या वर्क्स हैं वो बसवन्ना पुराणा में लिखे गए हैं। वो किसने लिखी है? पल कुरी की सुमानता ने लिखी है। बसवन्ना लाइक गौतम बुद्ध टॉट पीपल हाउ टू लिव हैप्पीली इन अ रैशनल सोशल ऑर्डर विच केम लेटर केम टू बी नोन एज शरणा मोमेंट। ही शेयर्ड एक्सपीरियंसड थ्रू वचनास द अनुभवा मंतपा एस्टैब्लिश बाय बसवा लेड फाउंडेशन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। अनुभवा मंतपा कुछ नहीं, देख बहुत सारे वहाँ पे पार्लियामेंट टाइप का था, जहाँ पे एकेडमिशियंस फिलोसोफर आते थे और अपना अपना एक्सपीरियंस अपनी अपनी बातें करते थे। जैसे अगर आप इबादत खाना टाइप का मान ले आप उसे, ठीक है। और लिंगायत के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ प्लेसेस इन न्यूज़ इज़ दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट श्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज़। अब हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इधर देख लेते हैं मैप में, जल्दी से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ साउथ टू नॉर्थ। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, फिर फरोए आइलैंड और ग्रीनलैंड जो है पार्ट है किसका? डेनमार्क का। देन अलांड जो है फिनलैंड का पार्ट है। दस देर आर कितनी कंट्री हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। उसके साथ साथ फरोए आइलैंड एंड ग्रीनलैंड विच आर पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड अलांड विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिनलैंड। एक्चुअली ये सब कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हैं, और इनका एक कॉमन कल्चर एक और हिस्ट्री भी है। देन रशिया ने फिर थोड़ा सा पंगा कर, ये ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन कौन सा है? मॉल्डोवा का रीजन है, यूक्रेन के साथ लग रहा है, ठीक है। ये ब्लैक सी है इधर, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी रशियन स्पीकिंग रीजन है,
और ये भी क्रिलिक स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं लाइक रशियन। तो अभी रशिया बोल रहा है कि ठीक है भाई ये भी देखते हैं इसको बाद में, अभी कुछ खा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ हलचल हो, यहाँ के लोग भी थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा सरगर्मी है इस एरिया में भी। तो दिस कम्स अंडर मोल्डोवा एंड बिटवीन यूक्रेन नोन एज ट्रांसनिस्ट्रिया। नाउ द इजरायली कोर्ट हैज़ पेव्ड द वे फॉर एविक्शन ऑफ 1000 पैलेस्टीनियंस फ्रॉम वेस्ट बैंक एरिया। और वेस्ट बैंक कहाँ है, देखो ये जॉर्डन है, ये आपका इसराइल के बीचों बीच इधर ये डेड सी है, मैप थोड़ा साफ नहीं है, वेरी सॉरी, ये गाजा स्ट्रिप है। तो वेस्ट बैंक में बहुत सारे फिलिस्तीनी रहते हैं, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप इन्हें हटा सकते हैं। तो वेस्ट बैंक मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकली अनस्टेबल, जियो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट रीजन तो है ही है, क्योंकि इधर ये मेडिटेरेनियन सी लग रहा है, एंड दिस इज लाइक दिस इज वेस्ट बैंक, एंड ये आपका यहाँ पे ईस्ट जेरूसलम है, और ये जेरूसलम है जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो देर इज 3 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट फॉर 2020 प्रीलिम्स वेटिंग फॉर यू एट द alphaes.com, लिंक ऑफ विच हैज़ बिन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गो एंड टेस्ट योर सेल्फ, एंड डू नॉट, अपना दिल छोटा ना करें, मार्क्स अच्छे हैं तो भी अच्छी बात, कमाएँ तो भी अच्छी बात, कुछ ना कुछ आज जीवन में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।